बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप्स विल बी फाइन। टुडे इज 11 अगस्त 2020 ट्यूसडे। योर लेक्चर नंबर 24 एंड योर डायरी इज रीडिंग बुक पेज नंबर 83 प्लस 84 हाफ। सो लेट स्टार्ट योर लेक्चर एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 83। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी कन्वर्टर्स। अब कन्वर्टर्स का आप लोगों को पता है, कन्वर्टर्स का मतलब होता है तब्दील होना, चेंज होना। और हमने पढ़ा है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही एनर्जी ख़त्म होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है, यहाँ पर उन्होंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से बताया हुआ है। इनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, इनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। साइंटिस्ट हैव डिवेलप्ड सच डिवाइसेस विच चेंज द फॉर्म ऑफ इनर्जी। कह रहे हैं कि साइंसदानों ने कुछ ऐसी डिवाइसेस जो हैं डेवलप कर ली हुई हैं जिनसे एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स आर एनर्जी चेंजर्स। उन डिवाइसेस को जिनसे एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है, उन डिवाइसेस को एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं या फिर एनर्जी चेंजर्स कहते हैं। वी यूज़ मैनी एनर्जी कन्वर्टर इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे एनर्जी कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। अ लैम्प, आप लोगों को पता है आप लोग लैम्प यूज़ करते हैं। लैम्प को आप लोग सबसे पहले तो उसका स्विच आप ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद फिर आपको लाइट मिलती है लैम्प से। तो होता क्या है कि आप जब आपने उसको स्विच ऑन किया तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हुई, स्विच ऑन करने से उसने लाइट दी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में। अ लैम्प इज़ एन एनर्जी कन्वर्टर। लैम्प भी हमारे पास एक एनर्जी कन्वर्टर है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। ये इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल अ टेलीविजन। आप लोगों को पता है टेलीविजन भी जब आप लोगों ने ऑन करना हो सबसे पहले आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। फिर आपको स्विच ऑन करने के बाद आपको टीवी पे स्क्रीन, उस पे टीवी पे फोटो नज़र आती है, ठीक है, और आप लोगों को लाइट भी मिलती है, साउंड भी आपको सुनाई देती है। तो वही इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइट ना हो, बिजली ना हो तो आप लोगों को टीवी पे कुछ नज़र नहीं आता। आ टेलीविजन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो टेलीविजन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो किस में चेंज होती है, लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी किस फॉर्म में, पिक्चर जो हमें पिक्चर नज़र आती है वो लाइट की फॉर्म में, एंड साउंड एनर्जी, और साथ में हमें आवाज़ें भी आती हैं, आवाज़ भी आती है और आपको पिक्चर भी दिखाई देती है टेलीविजन पे। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही चेंज होती है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है रेडियो। आप लोगों को पता है रेडियो जब आप लोग ऑन करते हैं तो आप लोगों को साउंड सुनाई देती है। तो रेडियो में भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज होती है, साउंड एनर्जी में। आ रेडियो इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्टर। रेडियो भी एनर्जी कन्वर्टर की एक गुड एग्जांपल है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, साउंड एनर्जी में। नेक्स्ट एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक ड्रिल। आप जो इलेक्ट्रिक ड्रिल होती है, यहाँ पे देखें जो सुराख करने वाली मशीन होती है, इसको भी, ये भी बिजली पे चलती है, ये नज़र आ रही है। कह रहे हैं इज़ यूज्ड टू मेक होल्स इन वुड एंड मेटल। किसी भी मेटल में या लकड़ी में सुराख करना हो, दीवारों में भी सुराख करना हो तो ये ड्रिल मशीन को यूज़ करते हैं। और ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। आप जो ड्रिल, इसको मशीन कहते हैं ना, ड्रिल मशीन, तो इस वजह से ये वर्ड यूज़ हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो मशीनरीज में एनर्जी यूज़ होती है, हम कहते हैं कि इसके सबसे पहले आप स्विच लगाते हैं तो स्विच लगाते हैं फिर ये ऑन होती है। ड्रिल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की कौन सी फॉर्म, मूविंग फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। आप वॉशिंग मशीन भी बिजली पर ही आप लोगों को पता चलती है। इज़ अ कॉमन एनर्जी कन्वर्टर विच इज़ यूज इन आवर होम्स। कहते हैं ये कॉमन एनर्जी कन्वर्टर जो सबके घरों में इस्तेमाल होती है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ये भी मशीन ही है ना, तो इसकी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि हम सबसे पहले इसका स्विच ऑन किया तो उसकी एनर्जी किस में चेंज होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। आ फ्यू एनर्जी कन्वर्टर, यहाँ पर उन्होंने सबकी ये डायग्राम्स भी दिखाई हुई हैं। ये देखें, ये वॉशिंग मशीन है, ये ड्रिल मशीन है, ये लैम्प है, ये रेडियो है, और यहाँ पे उन्होंने आप लोगों को टेलीविजन भी दिखाया हुआ है। आप नेक्स्ट पेज ओपन करें, 84 पेज पे उन्होंने आपको एग्जांपल दिया कैलकुलेटर की। यहाँ पे नज़र आ रहा है कैलकुलेटर, आप लोगों ने नोटिस किया होना। समटाइम्स आप कैलकुलेटर ना चलें तो उसको धूप में भी रखते हैं, धूप में रखने के बाद थोड़ी देर रखते हैं तो कैलकुलेटर फिर से काम करना स्टार्ट कर देता है। आ कैलकुलेटर विद अ सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। सन कैलकुलेटर कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन टू लाइट एनर्जी। अब कैलकुलेटर जो है हमारे पास, कैलकुलेटर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है
उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। आप लोगों को पता है कि जब कैलकुलेटर जो है उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, लाइट एनर्जी में। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर उसके नंबर दिखाई देते हैं ना जब, लेकिन आप अगर आप कैलकुलेटर को ऑफ करें तो आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो जब ऑन करते हैं तो तभी आपको नंबर वगैरह दिखाई देते हैं, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है। सम कैलकुलेटर कन्वर्ट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कुछ कैलकुलेटर्स होते हैं वो सोलर एनर्जी पर चलते हैं, उनको अगर धूप में रखें थोड़ी देर तो फिर वो ऑन होते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो चलना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। डू यू नो प्लांट्स आर एनर्जी कन्वर्टर्स टू। कहते हैं कि आप लोगों को पता है प्लांट्स जो हमारे पास पौधे वो भी एनर्जी कन्वर्टर हैं। कैसे? दे चेंज सोलर एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, आप लोगों को पता है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर उस एनर्जी को यूज़ करके वो फूड बनाते हैं और फूड में हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होती है और स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लांट्स आर एनर्जी कन्वर्टर टू, दे चेंज सोलर एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकअल्लाह।